अस्सलाम वालेकुम। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के लेक्चर नंबर 5 में आप सबको खुश आमदीद। आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगी कि हम शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग की और हंटिंग की मज़ीद 5 से 6 मेथड्स के थ्रू किस तरह से इसको इजी वे में लेके जा सकते हैं। अगर एक मेथड आपका हंटिंग का नहीं सक्सेसफुल हो रहा तो मैं आपको 5 से 6, 7, 8 मेथड्स जो है वो बताऊँगी, जिनमें से कोई एक मेथड यूज़ करते हुए इस पर आपको अच्छी ग्रिप हो जाती है, आप अपनी ड्रॉप शिपिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए आते हैं स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले है प्रोडक्ट रिसर्च का मेथड नंबर 3। पहला दूसरा मेथड मैंने आपको पहले दो पिछली वीडियोस में बता दिया था, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी तो एक दफ़ा एक्सेस कर लीजिएगा। इसमें है जो कि है myip.ms। myip.ms एक वेबसाइट है जहाँ पे आप जाएंगे और वहाँ से आपने अपने आईपी लिखना है और उसको एक्सेस करना है। जैसे कि इसकी टेक्निक ये मैं आपको बता देती हूँ। यू कैन गो थ्रू ऑल द शॉपिफाई स्टोर्स इन द वर्ल्ड एंड देन डू मैनुअल स्टोर्स नाइट रिसर्च। फॉर एग्जाम्पल आपकी एक स्पेसिफिक नाइच है, आपने उस पर जाना है और उसको टारगेट करना है, उसके रिलेटेड डिफरेंट स्टोर्स को देखना है, तो आप myip.ms वेबसाइट पे जाके एक ही टाइम पे शॉपिफाई के पूरी दुनिया में जितने भी स्टोर्स हैं उनको एक्सेस कर सकते हैं। ग्रेट फॉर जनरेटिंग आइडियाज़, ये जनरेटिंग आइडियाज़ को जनरेट करने का भी एक अच्छा आइडिया है। यूज़ इट विद सम एक्सटेंशंस सिमिलर वेब डॉट कमर्स इंस्पेक्टर। इसमें हम दो एक्सटेंशंस को खास तौर पे यूज़ करेंगे। मैंने आपको पिछली वीडियोस में बताया था कि आपने कोई 15-16 एक्सटेंशन से जो मैंने आपको इंस्टॉल करने के लिए कहा था वो आप लाजमी इंस्टॉल कर लीजिएगा, जिनमें से एक सिमिलर वेब है और एक कमर्स इंस्पेक्टर है। उसके बाद तीसरी चीज़ इसमें है यूज़ अली हंटर टू एनालाइज सप्लायर परफॉर्मेंस। सप्लाई की परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हम अली हंटर की एक एक्सटेंशन है उसको देखेंगे ip.ms पे। तो यहाँ पे हम सर्च कर लेते हैं myip.ms ये देखिए ये एक वेबसाइट आ गई हमारे पास। यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस देना है अपना। इस तरह का इंटरफेस होगा इस वेबसाइट का। यहाँ पे आपने आईपी एड्रेस देना है। अब यहाँ पे हमने आईपी एड्रेस डालना था शॉपिफाई का, तो यहाँ पे हम शॉपिफाई आईपी जो है गूगल पे सर्च करते हैं और उसको हम देखते हैं कि शॉपिफाई की आईपी एड्रेस क्या है। तो ये देखिए यहाँ पे हमें बता दिया है आईपी में शॉपिफाई की आईपी एड्रेस हमारे पास है 23.227.38.65। तो यहाँ से इसको हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और हम अपनी वेबसाइट पे माई आईपी एड्रेस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके इसको हम पेस्ट कर देंगे इस आईपी को, ठीक है। और फिर उसके बाद हमने देखना है, हम देखते हैं इस लुकअप को और ये थोड़ी देर बाद हमें स्कैन करके बता देगा। ये देखें शॉपिफाई की आईपी हमारे पास ये आ गया सारा, एड्रेस इसका, ओनर का, कैनेडा की इसकी आईपी लोकेशन है और ये सारा हमें होस्ट का डीएनएस मतलब डोमेन नेम सर्वर होता है ये हमें सारा बता दिया गया है। ये शॉपिफाई का बेसिकली है सब। ये ऑनर जो है शॉपिफाई का जो ऑनर है उसका फ़ोन नंबर है, ये उसकी कंट्री है कैनेडा, ये उसकी वेबसाइट है, ये उसका CIDR है, ये रिकॉर्ड उसने जो क्रिएट किया था ये और अपडेट करता रहता है, ये उसके अकॉर्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास ये आ गई है। अब हमने सर्च करना है अदर साइट्स ऑन दिस आईपी पे जाना है, तो इस आईपी के रिलेटेड जो जितनी साइट्स हैं वो आ जाएंगी। यहाँ पे मैं बताऊंगी आई एम अ ह्यूमन बीइंग, मैं एक ह्यूमन बीइंग हूँ, थोड़ी देर के लिए सर्च करेगा और हमें बता दे। अब ये करने के बाद मैं डाउनलोड जो है वो जाऊंगी, तो ये देखिए शॉपिफाई पे जितने भी स्टोर्स हैं पूरी दुनिया में वो सब के सब यहाँ पे आ जाएंगे। ये देखें ये सारे स्टोर्स शॉपिफाई पे क्रिएट हुए हुए हैं, तो ये देखिए ये सारे जो शॉप्स हैं स्टोर्स हैं जो शॉपिफाई पे क्रिएट हुए हैं वो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि शॉपिफाई पे कौन से शॉप्स क्रिएट हुए हैं। इनको टारगेट भी कर सकते हैं, इनकी प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं कि वो कैसी प्रोडक्ट्स अपने शॉप पे लगा रहे हैं और टोटल स्टोर जो शॉपिफाई पे खुले हैं वो ये बताए हुए हैं कि 6,98,303 टोटल जो शॉप स्टोर्स पे शॉप खुले हुए हैं वो इतने हैं शॉपिफाई पे। मैं यहाँ पे आपसे ये नहीं कह रही कि सारे जो शॉप्स यहाँ पे हैं शॉपिफाई के स्टोर्स क्रिएट हुए हैं सारे ड्रॉप शिपिंग के हैं, लेकिन मैं ये आपसे जरूर कहूंगी कि इनमें 70% जो है वो ऑलमोस्ट ड्रॉप शिपिंग के ही स्टोर्स क्रिएट हुए हुए हैं शॉपिफाई पे। ये देखिए अब हम व्यू ऑल रिकॉर्ड्स पे क्लिक करेंगे तो इससे रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा रिकॉर्ड्स हमारे पास ओपन हो गए हैं। ये देखिए जैसे आप डाउनलोड क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा जो साइट्स हैं वो शो हो जाती हैं, सारी वेबसाइट्स हैं जो ड्रॉप शिपिंग के लिए यूज़ होती हैं। इनमें से किसी पे भी आप सर्च करके क्लिक करके देख सकते हैं, ऑलमोस्ट 70% आपको इसमें ड्रॉप शिपिंग साइट्स ही मिलेंगी, इनके स्टोर्स आगे क्रिएट हुए हुए हैं और ये सारे आईपी वगैरह बताए गए हैं। ये वेबसाइट आईपी एड्रेसेस है, ये टोटल वेबसाइट्स हैं, इस पर आप क्लिक करके उन वेबसाइट्स को सेव कर सकते हैं और बाद में उनकी प्रोडक्ट्स वगैरह देख सकते हैं कि किस तरह की प्रोडक्ट्स को उन्होंने अपने स्टोर पे हंट किया और लिस्ट किया हुआ है। ये देखिए ये सारी काफ़ी ज़्यादा साइट्स हैं जो 13,000 प्लस तक जा रही हैं। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मुझे एक स्पेसिफिक नाइच की जो है साइट चाहिए, तो मैं यहाँ पे सर्च करती हूँ रिंग्स, ठीक है।
अब इसको मैंने प्रोसेस किया, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे मुझे वो सारी साइट्स नज़र आ जाएंगी जो रिंग्स के रिलेटेड है, मतलब ज्वेलरी के रिलेटेड है। ये देखिए अब टोटल 12 रिजल्ट उसने शो करवाए हैं। तो ये सारी जो साइट्स होंगी, ये देखिए ये इयर रिंग्स वगैरह, ये इंगेजमेंट रिंग्स हैं, डिफरेंट इसने साइट्स हमें दिखा दी हैं। तो हम इस तरह किसी एक स्पेसिफिक नाइच को भी यहाँ पे कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन एक आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये एक ड्रॉप शिपिंग स्टोर है भी या नहीं, क्योंकि एक प्रॉपर ब्रांड भी हो सकता है जिससे अपनी शॉप खोली है, और प्रॉपर हमने तो ड्रॉप शिपिंग करनी है, तो हमें ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही की उसी के रिलेटेड डाटा चाहिए और वही हमें चाहिए स्टोर। तो उसको फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको बताती हूँ क्या करना है। अब ये देखने के लिए कि मैं ये ड्रॉप शिपिंग साइट है कि नहीं है, मैं किसी भी एक साइट पे जाऊंगी, जैसे कि ये है एयरिंग, ठीक है, इसको यहाँ पे सर्च कर लेते हैं और इसकी किसी एक प्रोडक्ट को देख लेते हैं स्टोर की। ये स्टोर का ये देखें, ये इसकी शॉप है, यहाँ पे हम जाके देखते हैं इसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं कि नहीं है। अब ये देखें, हमने इसको ओपन किया और इसको हमने डायरेक्ट इसकी प्रोडक्ट्स को असेस कर लिया। अब देखने के लिए कि ये सारी प्रोडक्ट्स ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स हैं या नहीं है, इसके लिए हम जाएंगे अली एक्सप्रेस पे। इसके लिए इसका नेम है, यहाँ से लेके इतना इसको हम कंट्रोल सी से कॉपी करते हैं और अली एक्सप्रेस पे जाते हैं। यहाँ पे AliExpress.com इमेज से हमने सर्च करना था, तो इसको क्लिक किया, सर्च बाय इमेज, नहीं सर्च बाय इमेज नहीं, हमें डायरेक्ट पिक्चर चाहिए, तो यहाँ पे हम जाके दोबारा से करते हैं AliExpress, ठीक है। अभी AliExpress.com एक वेबसाइट ओपन हो गई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो प्रोडक्ट का हमने टाइटल कॉपी किया था यहाँ पे जाके इसको पेस्ट कर देंगे और इसको सर्च करेंगे। ये देखें, ये इस तरह की लिंक्स थी, अगर वो सेम प्रोडक्ट यहाँ पे पड़ी है तो इसका मतलब यह है कि ये वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है, क्योंकि वो एक्सप्रेस से ले रहा है चीजें और वहां पे आपको अपने स्टोर पे इसको सेल कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो स्टोर है ये ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है। ये देखें, ये हमारे पास ये प्रोडक्ट थी, ये वाली प्रोडक्ट थी। अपने पिक्चर को बस खास फोकस पे देखते हैं, ये इस तरह की प्रोडक्ट है, ठीक है। अब हम अली एक्सप्रेस पे जाते हैं और देखते हैं, ये देखें, ये इस तरह की प्रोडक्ट है, सेम एज इट इज यही प्रोडक्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो शॉप है, शॉपिफाई पे जो स्टोर है वो ड्रॉप शिपिंग स्टोर ही है। ड्रॉप शिपिंग का जो बिजनेस है उसमें अपसेलिंग होना बहुत जरूरी है, मतलब उसमें अपसेलिंग ना हो तो उसमें कोई इतना खास मजा नहीं आता, तो इसलिए आपकी अपसेलिंग होना जरूरी है। और आपने ट्रैफिक देखनी है उस वेबसाइट की, 150K से ऊपर हो। ये तो टेक्निक मैंने आपको बता दी कि दुनिया में जितनी भी वेबसाइट्स हैं या अपने नीच के रिलेटेड आप कोई वेबसाइट सर्च करना चाहते हैं शॉपिफाई स्टोर पे, तो आप इस टेक्निक के थ्रू वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं और अपनी एक स्पेसिफिक नीच को यहाँ पर टारगेट कर सकते हैं। बस आपकी एवरेज ऑर्डर वैल्यू बढ़नी चाहिए, मतलब आपकी सेल्स आनी चाहिए। ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस खरा ही सेल्स पे होता है, मतलब आपकी अब सेल्स इंक्रीज होनी चाहिए। यहाँ पे हम एक और ड्रॉप शिपिंग की जो क्रोम एक्सटेंशन है, कॉमर्स एक्सपेक्ट एक्सटेंशन है, कॉमर्स इंस्पेक्टर, इसको हम डाउनलोड करते हैं। और ऑलमोस्ट डाउनलोडेड ही है, पहले से ही डाउनलोड है, आई थिंक ये वाली है। ओके, अली एक्सप्रेस की है ये शाइन के नेम से है। अब ये वाली कॉमर्स शाइन, ठीक है। ओपन शाइन डॉश डैशबोर्ड, तो ये हमें दिखाने के लिए यूज किया जाता है कि प्रोडक्ट कितनी ज्यादा उसमें। इस एक्सटेंशन को हम स्पेसिफाई किसी एक प्रोडक्ट की सेल्स को देखने के लिए यूज करते हैं कि शॉपिफाई पे इस प्रोडक्ट की कितनी सेल्स हुई है और कहाँ कहाँ पे किस किसने इसको अपनी वेबसाइट पे अपने शॉपिफाई स्टोर पर लिस्ट किया हुआ है। तो ये बहुत कमाल की एक्सटेंशन है, आप सब इसे डाउनलोड लाजमी कीजिएगा। एक ही प्रोडक्ट 100 सप्लायर्स बेच रहे होते हैं, मुझे कैसे पता कौन सा सप्लायर अच्छा है कौन सा बुरा है, तो ये देखने के लिए इसके। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट हंटिंग के मेथड नंबर 4 पे, जिसमें हम थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करेंगे। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ, कि थर्ड पार्टी टूल्स को यूज़ करते हुए हम किस तरीके से प्रोडक्ट को हंट कर सकते हैं।
ये डिफरेंट मेथड से ज़रूरी नहीं आपने सारे करने, आप किसी एक को अच्छे तरीके से कर लो और उसी पे ही इम्प्लीमेंट करें सारा काम। सबसे पहले इसकी टेक्निक है सब्सक्राइबिंग टू साइट्स डैट हैव एक्सपर्ट्स हंटिंग प्रोडक्ट्स फॉर यू, मतलब ये साइट्स ऐसी हैं इनको सब्सक्राइब करना पड़ता है, ये पेड हैं, इनकी सब्सक्रिप्शन आपको हर मंथ लेनी पड़ेगी, $35 to $40 होती है इनकी सब्सक्रिप्शन। इसमें आपको इस साइट्स के अलावा डिफरेंट और भी साइट्स की सब्सक्रिप्शन मिलती है, तो ये पेड साइट्स हैं बट ये आपको एक टाइम पे चार प्रोडक्ट एट अ टाइम चार प्रोडक्ट्स इजी वे में हंट करके दे सकती हैं। इसमें आपका हंटिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता ज़्यादा, मतलब ये है पेड साइट्स बट इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता और आपकी प्रोडक्ट्स जो हैं वो इजीली आप 4 से 5 प्रोडक्ट्स या मैक्सिमम 10 प्रोडक्ट्स भी एक टाइम पर हंट कर सकते हो। उसके बाद है दे प्रोवाइड यू इनसाइट्स ऑन प्रोडक्ट्स प्लस टारगेटिंग ऑप्शन सच एज डेमोग्राफिक ETC, मतलब ये प्रोडक्ट की इनसाइट्स की आपको जो टारगेटिंग है वो भी आपको इस टूल में देखने के लिए मिलती है। The count that they have so many people subscribes to them that everyone is cashing on the new product added. मतलब इसका जो सबसे बड़ा कौन है मुझे है कि काफ़ी ज़्यादा लोग एट अ टाइम इसको सब्सक्राइब कर रहे होते हैं जिसकी वजह से वो काफ़ी प्रोडक्ट्स को ऐड भी करते हैं। तो अब हम प्रैक्टिकली तौर पे देखते हैं, ये देखें सबसे पहले है ईकॉम हंट एक वेबसाइट है, इसको हम देखेंगे। इसके पास मेरे भी मेरे पास अभी इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं है तो ये अभी यहाँ पे ओपन नहीं होगी बट इसको इजीली आप सब्सक्राइब जैसे ही करेंगे इसकी सब्सक्रिप्शन पे करेंगे तो ये आपके पास डिफरेंट प्रोडक्ट्स को दिखाएगी। ईकॉम हंट एक वेबसाइट है, ये पेड वेबसाइट है, इसकी सब्सक्रिप्शन 35 to 40 तक आप ले सकते हो पर मंथ। इसमें आपको और भी ज़्यादा डिफरेंट चीज़ों की सब्सक्रिप्शन मिलती हैं एक महीने की। ये पेड है बट ये आपको 4 से 5 टूल्स जो है वो इजीली हंट करके दे देती है, जिससे आपका टाइम भी बचता है और ये प्रोडक्ट्स को आप इजीली अपने स्टोर पे लगा के तो इसको वैलिडेट करके थोड़ा बहुत पैसा लगा के इसके थ्रू अपने स्टोर को ग्रो कर सकते हो शॉपिफाई के। तो ये इजी मेथड है बट इसमें आप ये पेड है सब्सक्रिप्शन लगती है। अब नेक्स्ट टेक्निक है हमारे पास टेक्निक नंबर 6, इसमें हम फ्री शिपिंग लिखेंगे और 50% ऑफ लिखेंगे, मतलब आपने लिखना है फ्री शिपिंग एंड 50% ऑफ। ये हम फेसबुक के थ्रू हंट करेंगे प्रोडक्ट्स को, तो इसके थ्रू हम टारगेट करेंगे अपने प्रोडक्ट्स को और ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को और देखेंगे कि क्या आउटपुट आती है। तो सबसे पहले इसमें आपने फेसबुक पे आपने सर्च पे लिखना है 50% ऑफ, मतलब यू मे फाइंड ट्रेंडी प्रोडक्ट्स इन लास्ट मंथ और दिस मंथ। लास्ट मंथ की और इस मंथ की आप ट्रेंडी प्रोडक्ट्स को इसमें फाइंड आउट कर सकते हो। दूसरा स्टेप इसमें है कि मेक श्योर टू सिलेक्ट द करेक्ट फिल्टर्स एंड सिलेक्ट प्रोडक्ट्स डेट हैज़ वीडियो व्यूज आवर 500K, मतलब आपने देखना है कि फ़िल्टर्स अच्छे से यूज़ करने हैं, सारे फ़िल्टर्स देखने हैं और उसमें आपने उन प्रोडक्ट उन वीडियोज़ को लेना है जिसमें 500K प्लस व्यूज़ हों। और फिर इसके बाद बताया कि ये टेक्निक बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है कि आप एक अच्छी स्कोर ले सकते हो सेल्स का और इसको आप अपने स्टोर पे लगा सकते हो और काफ़ी ज़्यादा ग्रो अप करवा सकते हो। तो चलिए अब इसको प्रैक्टिकल देखते हैं। नेक्स्ट टेक्निक हमारी ये है कि हमने फेसबुक पे जाना है और फेसबुक पे जाके हमने यहाँ पे लिखना है 50% ऑफ फ्री ड्रॉप शिपिंग, ठीक है, या फ्री शिपिंग को भी अभी फिलहाल रहने देते हैं। 50% ऑफ पे करना है और इसके जो ऑलमोस्ट वीडियो की व्यूज़ हैं वो 500K+ होने चाहिए। और यहाँ पे जाके हम यहाँ पे वीडियोस देखेंगे तो इसके रिलेटेड 50% लिखना है, 50% ऑफ पे जितनी प्रोडक्ट्स हैं जो फ्री डिलीवरी पे हैं वो हमें यहाँ पे शो हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे हम वीडियोस को सर्च करते हैं तो ये देखें ये सारी 50% ऑफ पे प्रोडक्ट्स हैं और ये सारी ही यूनिकली प्रोडक्ट्स हैं। अगर आपको फिर भी देखना है कि कौन सी प्रोडक्ट ये उधर अप्लाई हो भी रही है या नहीं, या ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट है या नहीं, तो इसका मैंने मेथड आपको पहले बता दिया था। आपने इसके पिक्चर को या इसका टाइटल कॉपी करके आपने जाना है AliExpress पे और उसको सर्च करना है। अगर ये सेम प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल हुई तो इसका मतलब ये है कि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट ही है और ये सारी ड्रॉप शिपिंग ही है। इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे मोस्ट रिसेंट हमने लेनी है दिस वीक या दिस मंथ, तो यहाँ पे हम दिस मंथ लेते हैं कि इस माह में कौन कौन सी न्यू प्रोडक्ट्स आई हैं 50% ऑफ पे, तो ये सारी जो है वो दिस मंथ पे आई हैं। और हमने क्या कहा था इसके 500K व्यूज़ होने चाहिए, इन पे अभी व्यूज़ बहुत कम है सब पे ही, ऑलमोस्ट ये 1K है, 500K वाला तो अभी तक नहीं है नज़र आया कोई भी। तो ये देखें ये है 9K जस्ट, यहाँ पे आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे काफ़ी ज़्यादा प्रोडक्ट्स ऐसे होंगे जिनके के 500K प्लस व्यूज़ होंगे। उसके बाद नेक्स्ट मेथड है हमारे पास WTF प्रोडक्ट्स, इसमें वो प्रोडक्ट्स हम सर्च करेंगे जिसमें कोई ना कोई वाव फैक्टर होगा। Booking.com, यहाँ पे आपको ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स मिलते हैं और काफ़ी यूनिक वाव प्रोडक्ट्स मिलते हैं जिसमें वाव फैक्टर इंक्लूड होता है।
ये प्रोडक्ट्स आपको इन्हीं साइट से मिल सकते हैं। इन साइट्स को आप सर पहले सर्च कर लीजिएगा, अच्छे तरीके से इसके रिलेटेड आपको और भी ज़्यादा साइट्स मिल जाएंगी जो इस तरह ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को आगे प्रमोट कर रही होती है। उनका काम ही इस तरह का होता है कि वो ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को प्रमोट करते हैं। इनमें से कोई ऐसी प्रोडक्ट आप ढूंढ लीजिएगा जिसमें वाओ फैक्टर हो, फिर इसको राइट क्लिक करके आपने AliExpress पे सर्च करना है कि वो प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल है या नहीं। ऑलमोस्ट वहाँ पे अवेलेबल होंगी क्योंकि ये ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स होती हैं और ये AliExpress से ही लेते हैं। अब ये देखें, ये कुकीज मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगे हैं, बना हुआ है मतलब कि वाओ प्रोडक्ट, वाओ फैक्टर है इसमें। तो चेक इट आउट पे जाते हैं हम, इसका टाइटल कॉपी कर लीजिए आप इस प्रोडक्ट का। ये देखिए 4 आइटम्स इसमें लेफ्ट हैं। ये Etsy है, Etsy भी ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स को ही प्रमोट करता है ऑलमोस्ट। तो इस प्रोडक्ट के टाइटल को हम यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, या आप यहाँ पे जाकर एक्सटेंशन हमने डाउनलोड की हुई थी ना, यहाँ पे जाके आप इमेज के साथ इसको देखिएगा, AliExpress सर्च बाय इमेज, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसका टाइटल कॉपी करके यहाँ पर डायरेक्ट डाल देते हैं यहाँ से, ठीक है। ये होम डेकोर का एक साइट है, कंट्रोल सी से इसको कॉपी किया और हम गए यहाँ पे, और इधर जाके हमने किया AliExpress एक्सटेंशन जो डाउनलोड की थी, यहाँ पे जाके इसको कंट्रोल वी से हमने पेस्ट कर और सर्च पे गए। अगर ये सेम प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल हुई तो इट्स मीन ये देखिए इस तरह की प्रोडक्ट्स आपको, कुछ प्रोडक्ट्स नहीं भी मिलती हैं तो वो अमेजोन से वो ले लेते हैं, मतलब अमेजोन से भी आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं प्रोडक्ट लेके, उसको आप ईबे पे हाई प्राइस पे कर दो या डिफरेंट ड्रॉप शिपिंग प्रोडक्ट्स पे जाके आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको अमेजोन के रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी मिलती हैं, बट ये देखिए ये प्रोडक्ट वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अभी कुछ मेथड्स हमारे रहते हैं, वो हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। अभी के लिए इतना ही। कोई क्यूरी क्वेश्चन वगैरह है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं या हमें व्हाट्सएप ग्रुप में टैग कर सकते हैं, तो उसका जवाब आपको मिल जाएगा।